दवाइयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेने एजुकेशन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए दवाइयों की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। क्लेरिथ्रोमाइसिन को आखिर कौन कौन सी बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितनी मात्रा में इसको यूज़ करना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, यह हमारे शरीर में काम कैसे करती है, पूरी डिटेल से इस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर क्लेरिथ्रोमाइसिन इस टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एक एंटीबायोटिक है और मेकलार 500। सो मेकलार यहाँ पर इस टैबलेट का ब्रांड नेम है। तो आइए जानते हैं इस टैबलेट के क्या यूज़ हैं, आखिर कौन कौन सी बीमारी या डिजीज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। मेकलार 500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, यानी वेरियस टाइप्स के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जिसके ट्रीटमेंट में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, नोज़ थ्रोट लंग्स एंड स्किन से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो टैबलेट है ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी हाईली इफेक्टिव होती है, जो कि ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ये पेप्टिक अल्सर डिजीज से एसोसिएट होता है। ये जो क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उनके इन्फेक्शन को रोकती है और बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अब इस टैबलेट के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया 500 mg। सो क्लेरिथ्रोमाइसिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एक एंटीबायोटिक है। मेकलार 500 इसका ब्रांड नेम है। कंपोजिशन की बात करते हैं, क्या क्या कंपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंस, तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी टैबलेट्स हैं ये सारी फिल्म कोटेड टैबलेट है, इनकी फिल्म कोटिंग की गई है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एज पर इंडियन फार्माकोपिया 500 mg प्रेजेंट होता है एंड एक्सीपिएंट क्वांटिटी सफिशियंट। कलरेंट इसके अंदर कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, क्विनोलिन येलो लेग एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इसके अंदर क्विनोलिन येलो एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज अ कलरेंट यूज़ किए गए हैं। डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, इसकी कितनी डोज यूज़ करनी है, तो जो अडल्ट के लिए डोज होती है वो 250 mg ट्वाइस अ डेली होती है और ये इंक्रीज हो सकती है 500 mg तक, यानी 250 से 500 mg तक ये हो सकती है ट्वाइस अ डेली। फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर बताते हैं, उनके अनुसार ही इसकी डोज का यूज़ करना है। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते ही ख़राब हो जाती है और इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब यहाँ पे वार्निंग भी दे रखी है कि ये जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है ये शेड्यूल एच की ड्रग है, यानी आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, आप इस मेडिसिन को कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, टेस्ट चेंज हो सकता है एंड रैशेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट है ये टेम्पोरेरी होते हैं, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूसरे भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसमें हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और रैशेस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट बॉडी में किस तरीके से काम करती हैं, कैसे अपना इफेक्ट शो करती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलिड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। ये 50S राइबोसोमल यूनिट से जाके बाइंड होगी और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ये
ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो रुक जाएगा और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्लेरिथ्रोमाइसिन काम करती है, अपने इफेक्ट शो करती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट को यूज़ करने से पहले किन किन लोगों को सावधानियाँ रखनी है? प्रेग्नेंट वीमेन को सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट वीमेन को इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट जिनको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर है तो उनको भी इस टेबलेट का यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया क्लेरिथ्रोमाइसिन टेबलेट के यूज़, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म एक्शन एंड सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।